श्री राम कृपा से जरूर बनेंगे आपके बिगड़े काम, लेकिन उसके लिए करें पूरी श्रद्धा के साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं श्री राम के अलौकिक दरबार में और करवाते हैं दिव्य दर्शन। त्रेता युग के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का धाम, उस धाम का एक एक पत्थर राम की कहानी कहता है। उस धाम की रज रज कण कण में राम की लीला बसती है। उस धाम में आज भी गूंजता है सीता राम का मंत्र। रामायण काल में राम की कथा सुनाता है वो धाम। उस धाम में 4 महीने तक वास किया था विष्णु अवतारी राम ने। उसी धाम में मुनि अगस्त ने दशरथ नंदन राम को दिया था ब्रह्मास्त्र का ज्ञान। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अक्षर बिहारी। उसी धाम में राम ने राक्षसों से धरा की मुक्ति का लिया था संकल्प। उसी धाम में लक्ष्मी स्वरूपणी माँ सीता ने बनाई थी अपनी रसोई। उस धाम में आज भी वानर रूप में दिखते हैं हनुमान। वो मंदिर नहीं बल्कि राम का गढ़ है, जो देखने में किले जैसा प्रतीत होता है। उस धाम में राजसी स्वरूप में पूजे जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। चांदी का आसन और चांदी के दरबार में कृष्ण स्वरूप में दिखते हैं राजा राम। सीता संग विराजमान राम यहां देते हैं कल्याण का वरदान। भगवान श्री राम का ये धाम आज विराजित है महाराष्ट्र के नागपुर जिले के रामटेक की पहाड़ी पर। भगवान राम के धाम का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है और पद्म पुराण में भी। ये दोनों ही शास्त्र पौराणिक जानकारी देते हैं कि वनवास के दौरान मॉनसून की बारिश से बचने के लिए भगवान राम ने मां सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इसी धाम में 4 महीने का समय बिताया था। इसीलिए इस पहाड़ी का नाम राम टेक पड़ गया। इस धाम की स्थापत्य कला अद्भुत है। भगवान राम के चरण यहां पड़े थे, इसीलिए इस धाम से जुड़ी मान्यताएं और कथाएं हर युग में फैलती चली गईं। पौराणिक इतिहास इस धाम को रामायण काल से जोड़ता है। इस मंदिर का स्थापत्य इसे आधुनिक मराठा काल से संबंधित बताता है। इस धाम में आज भी ऐसी तमाम निशानियां मिलती हैं जो इस धाम को राम धाम बनाती हैं।